चलो चलो वंस मोर। ओ माय, तीनों भाई के कितनी सेक्सी लग रही है यार। चलो गाइस देखो इस टायर को। ओ माय गॉड, यार बेल्ट में जा रहा है। ओ भाई बेल्ट ही टूट गई यार आपके। तो गाइस आज मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, मम्मी बोल रही है। तो फिलहाल अभी मैं पूरा तैयार हो चुका हूँ। फाइनली मैंने बेल्ट ली थी भाई, तो जैसे ही मैंने बेल्ट लगाई वो टूट गई। ये देखो भाई, तो मैंने जगाड़ से बड़ी मुश्किल से पैंट बांध दिया, मुझे नीचे जाके बेल्ट भी लेनी है। तो फिलहाल इधर बैग पड़ा हुआ है। तो गाइस ये देख रहे हो बैग, 7 लाख का है ये बैग, इसमें 7 लाख का सामान है। तो ये अभी ले जाऊंगा मैं, तो मेरा भाई भी वहीं वेट कर रहा है, तो मैं उसके पास जाऊंगा पहले। उसके बाद उसको ये बैग हैंड ओवर करूंगा और वहां से मैं जाऊंगा सिद्रा एक मस्त सी राइड पे, और आज बनाऊंगा एक व्लॉग तगड़ा सा। तो ये मेरी रही यार फिटिंग, आप देख सकते हो ठीक लग रहा हूं वैसे ब्लैक जैकेट में। तो ये रहे अपने डॉट, या मैं डॉट बोर्ड पे डॉट मारा करता था, 2 बार मेरे सेंटर में बचे। तो फिलहाल अभी यहां से निकलते हैं। तो मैंने हुक्का भी बनाया था भाई, ये देखो अभी भी धुआं आ रहा है इसमें। सजेस्ट करूंगा कि आप हुक्का मत पीना, मुझे आदत हो गई इसलिए मुझे पीना पड़ता है भाई। तो मेरे को शौक है रिंग्स बनाने का, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पीता हूं। तो फाइनली गाइस यहां से निकलते हैं, सारे वेट कर रहे हैं। तो ये रहा अपना बैग, तो ये मैंने बैग लगा लिया। सो गाइस मैं यहां से निकल रहा हूं, मैंने तो अभी बाइक स्टार्ट कर लिया फाइनली, तो अल्लाह का नाम लेकर निकलते हैं यहाँ से। तो अभी देखो भाई, तो ये रही मेरी मम्मी और ये रहा मेरा भतीजा। तो फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं हम गाइस। मेरा गोप्रो बार बार ऑफ हो रहा था, पता नहीं क्यों हो रहा था ऑफ, तो मैंने बैटरी इसको चेंज करके फिर से लगाई, तो अब ठीक चल रहा है। तो अब मुझे नहीं पता मेरी साउंड कैसी आ रही होगी। फिलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ, सब मेरा वेट कर रहे हैं और मुझे फ़ोन भी कर रहे हैं। तो ये मेरा फ़ोन है भाई लोग, इसको डालते हैं जेब में, तो और यहाँ से निकलते हैं। तो चला मैं गाइस, गोप्रो मेरा ठीक ठाक चल रहा है और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। तो धूप बड़ी मस्त है भाई लोग, पर हवा बड़ी तेज है। तो काफी टाइम के बाद ये मेरा दूसरा, मतलब हाँ दूसरा मोटो व्लॉग है। इससे पहले मैंने एक व्लॉग किया था सिद्रा का, बट अब कर रहा हूँ, अब फ्रेंड्स के साथ करूंगा। उस दिन तो मैं अकेला था, तो एक लड़की हमें रास्ते में स्ट्रेंजर मिल गई थी, जिसके साथ जिसको मैंने राइड दी थी, जिसके साथ हमने राइड की थी। फिलहाल उसके बाद उनका कोई कॉन्टेक्ट नहीं आया मेरे पास, बट उनकी आईडी ली थी मैंने, मैंने कभी मैसेज नहीं किया। तो होप सो देखते हैं आगे होता क्या है। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं भाई लोग। तो मेरा भाई बोलता है भाई तूने इसकी क्लच प्लेटें उड़ा दी हैं। अब मुझे नहीं पता भाई इसकी क्लच प्लेटें कैसे उड़ी हैं, बट इतना एक्सपीरियंस नहीं है मेरे को यार बाइकिंग का, बट थोड़ा बहुत है, अभी सीख रहा हूँ। तो अभी मैं बिगनर हूँ, बिगनर नहीं बोल सकता हूँ, बिगनर से थोड़ा सा ज़्यादा हूँ, बट हूँ बिगनर ही, अभी स्टूडेंट ही हूँ मैं बाइक के मामले में। तो काफ़ी ज़्यादा क्रैश हुए मेरे, बट बड़ा कुछ सीखा भी मैंने। हाँ कुछ ऐसे ऐसे क्रैश हुए थे जिसमें मैं बिल्कुल मतलब ख़त्म हो जाता, मैं अगर मेरे को हेलमेट पहनी नहीं होती या फिर मैंने राइडिंग जैकेट्स नहीं पहने होते तो मैं ख़त्म हो जाता। इसलिए हमेशा इंसान को राइडिंग जैकेट्स गियर सब कुछ पहनने चाहिए। तो मैं हमेशा पहन के जाता था, जितनी बार भी मेरा क्रैश हुआ उतनी बार मैंने राइडिंग जैकेट्स वगैरह गियर्स वगैरह पहने थे, जिसकी वजह से मैं बच गया। बस 2-3 बार मैं गिरा हूँ जिसमें मैंने राइडिंग जैकेट्स गियर्स वगैरह नहीं पहने थे, जिसकी वजह से मेरी एक बार रिस्ट फ्रैक्चर हो गई थी, एक बार मेरे को टांगों वगैरह में भी लगी थी जब मैं 390 पे था, तब मैं सिर्फ चप्पल में निकला था। तो बट उस टाइम पता नहीं अल्लाह का कोई शुक्र था जिसकी वजह से मैं बच गया भाई, मेरे को ज़्यादा इतनी लगी नहीं। तो नहीं तो भाई आज इंसान थोड़ा सा भी लग जाए ना, थोड़ा सा भी गिर जाए, इंसान कहीं से भी ख़त्म हो जाता है भाई। सिर बड़ा नाजुक होता है, सिर को लग गई तो बंदा ख़त्म, टाटा बाय बाय हो जाता है भाई पूरा। तो अभी मैं पहुंचा हूं जलालाबाद चौक। तो भाई मैं ना मतलब मोटो व्लॉग नहीं करना चाहता हूं, बट मुझे करना पड़ता है बीच बीच में यार, मतलब अभी मैं पूरी तरह से ना मेरा पूरा सेटअप नहीं है, ठीक है। तो जब मेरा पूरा सेटअप होगा ना, तो मैं मेरा एम है जो वो मोटो व्लॉगिंग का नहीं है, तो मैं मोटो व्लॉगर नहीं बनना चाहता, मैं कुछ और बनना चाहता हूँ। मतलब व्लॉगिंग ही करूँगा बट एक डिफरेंट टाइप की, मतलब ऑलराउंडर, जिसमें मैं सब कुछ करूँ, मतलब अपना लाइफस्टाइल दिखाऊँ और मतलब मोटो व्लॉग भी करूँ बीच बीच में और राइड्स वगैरह पे जाऊँ, बट बिल्कुल आस्था चल के, नो स्टंट्स नो कुछ। हाँ तो स्टंट्स मेरे को मारने भी नहीं आते, मैं मारना भी नहीं चाहता। जैसे इंसान कोई स्टंट कर रहा है या कुछ भी ऐसी क्लिप डाल रहा है तो वैसे येलो डॉलर आ जाता है, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं होता फिर। तो भाई मैंने इस बार जो व्लॉगिंग स्टार्ट किया वो मैंने पैसे के लिए किया, पिछली बार मैंने पैसे के लिए
नहीं की थी स्टार्ट भाई, क्योंकि इस बार मुझे पैसा कमाना है भाई। तो भाई खुद के दम पे स्टैंड होना है, खुद की मेहनत से चीज़ें लेनी है, तो इसलिए मैंने स्टार्ट की भाई। पिछली बार मैं शौक के लिए करता था, पर इस बार मैं शौक के लिए नहीं करता हूँ भाई, क्योंकि जो मेरा माइंड सेट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो नहीं तो मैं अब ऐसे आपको बोल दूंगा, फड़फड़ मार दूंगा भाई, मैंने तो मोटो व्लॉगिंग अपने शौक के लिए की है। हमेशा कुछ भी चीज़ करो अपने पैशन के लिए करो, अपने पैशन को फॉलो करो। नहीं भाई, मैं आपको क्लियर कट बोल देता हूँ, मैंने जो मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट किया है खाली पैसे के लिए किया भाई, तो जो कि एक सच है, सारे करते हैं बट बताते नहीं हैं। तो बट यार मेरे को पैसा कमाना है बहुत सारा, तो फिर मौज करेंगे, ठीक है, थाईलैंड जाएंगे। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तो देखो भाई ट्रैफिक, अपार्ट फ्रॉम जोक्स नाउ ट्रैफिक बड़ा ज़्यादा है, तो खींचने का भी मेरा मन नहीं कर रहा यार। मेरी पैंट ना खिसक रही है, मैंने बेल्ट नहीं पहनी है, जगाड़ से पैंट लगाई है भाई, मेरी बेल्ट ही टूट गई यार। एक बेल्ट थी वो मेरा भाई ले गया, मैंने शॉप से 200 रुपये की बेल्ट लाई, वो भी टूट गई भाई, तो डुप्लीकेट माल था भाई। मेरे घर पर एक दुकान है ऊपर, उसने डुप्लीकेट बेल्ट रखी हुई है, बट कोई नहीं, मैं अब आगे से लूँगा, एक सेक्सी सी बेल्ट लूँगा और फिर वहाँ से जाऊँगा अपने भाई के पास, और वो सारे अरमान वगैरह सब, जीनत वगैरह सब वेट कर रहे हैं। एक्चुअली कश्मीरियों का रश है, अब जाने वाले हैं सारे कश्मीरी फ़िलहाल, बट तब भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इस एरिया में, तो देखते हैं भाई आगे क्या होता है। इधर क्या हुआ है, तो ये देखो ट्रैफिक भाई लोग, कुछ ज़्यादा ही मैंने बोल दिया इस बार। मेरी बाइक का यार वो पूरी खप्पे हो गई है ना, मैंने उसकी सर्विस कराई है, ऊपर से मेरे उस पर काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो गए 4-5, जिसकी वजह से बाइक ना ख़त्म हो गई, दोनों ABS ऑफ है, ब्रेक भी टेढ़ी है, ठीक है, क्लच प्लेटें भी ख़त्म है। तो अब मैं उसको ठीक कराऊंगा, बट अभी मेरे पास ना इतना पैसा नहीं है कि उसको मैं ठीक कराऊँ अच्छी तरह, बट जब मेरे पास पैसा बन जाएगा थोड़ा बहुत, तो मैं उसको अच्छी तरह मॉडिफाई कराऊँगा, अच्छा कलर कराऊँगा, इम्पोर्टेड कलर कराऊँगा भाई, सेक्सी बनाऊँगा उसको मैं, इतनी तगड़ी बनाऊँगा ना कि अगला वाला बंदा देखे ना तो फट के हाथ में आ जाए भाई, कि भाई बाइक है ये, मानना पड़ेगा कि इसको बोलते हैं बाइक, दैट्स द बाइक। तो बट फिलहाल अभी मेरे को यही बाइक चलानी पड़ेगी, तो ये आयरा ने खरीदी थी बाइक, आपको पता ही है 390, बट आयरा इसको बहुत कम चलाती है क्योंकि उसके पाँव नीचे नहीं लगते भाई, वो शॉर्ट हाइटेड पर्सन होता है वो ड्यूक नहीं चला पाता है क्योंकि कंट्रोल में बहुत प्रॉब्लम होती है अगर एज अ गर्ल देखा जाए तो गर्ल को तो काफ़ी मुश्किल होती हैं भाई। तो अभी मैं बाइक यहाँ साइड पे लगाता हूँ और मैं लेता हूँ अपने लिए बेल्ट, ठीक है। तो भाई ये रही शॉप, हमेशा मैं यहाँ से कपड़े लेता हूँ, मेरा भाई भी यहाँ से लेता है, मैं भी यहाँ से लेता हूँ। भैया बेल्ट है आपके पास यार, बेल्ट देना यार मेरे को, जुगाड़ करके मेरी बेल्ट ही टूट गई भैया यार, नाड़े से बांध दिया बेल्ट ही, मैंने 200 की जैसी मैंने टूट गई, ये टूट गया उसका। तो होप सो गाइस ये मैंने बेल्ट ले लिया यार, खोलो इसको भैया यार, मेरी पैंट गिर जाएगी नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। तो ये रही अपनी बेल्ट, तो अब यहाँ से निकल रहा हूँ मैं, ये अपने भाई है, हमेशा मैं यहाँ से कपड़े लेता हूँ, मेरा भाई भी, तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ भाई, सारे वेट कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं दोस्त कुछ है नाराज़ हो गए हैं। क्या करना है आज, ऑफ रोड नहीं, नॉर्मल व्लॉग रहेगा। चलो चलो फिर चलो, कहाँ है अलनूर है, यार बेल्ट लगा रहा था, ओ भाई बेल्ट ही टूट गया यार रास्ते, ऐसे बोल ना बेल्ट टूट गया, वही तो बोल रहा हूँ। हेलमेट चेंज हो गई है, हाँ? देखते हो व्लॉग्स? हाँ? किसके देखते हो ज्यादा? आप हो ना, मैं आमिर माजी नहीं उसका भाई हूँ, देखा होगा सैम, हाँ मेरे पहले भाई ने धमकी दी है भाई, ABS ऑफ है। तो गाइस ये मेरा भाई Z900 चला रहा है और आगे है इसरार ब्लॉग्स, तो मेरा भाई देखो कैसे चल रहा है। तो भाई मेरे को पहले ही धमकी मिली है मेरे भाई से, भाई आस्था चलना, इसका ABS काम नहीं कर रहा है भाई, अचानक से इसका ABS ऑफ हो जाता है, वैसे पिछला इसका ऑफ है, अगला भी ऑफ है, तो सो भाई मैं अगर खिंच के ब्रेक मारूंगा तो मेरी टांगे खड़ी हो जाएंगी रोड में और बड़ी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी भाई, क्योंकि पहली बार मैं आमिर के साथ राइड कर रहा हूँ, मतलब साथ में राइड कर रहे हैं, ज्यादा ही खींच रहे हैं यार। वो देखो इसरार जा रहा है, हैं
हेलो चाचे, मेरा भाई बिल्ली की तैयारी में लग रहा है मेरे को। कैट बिल्ली थी। बिल्ली कैट थी। बाइक देख के तो डर गया ना भाई। देखिए ये कैसे चला रहा है एक टायर पे। मुझे नहीं देखा एक टायर। तेरे को देखा मेरे पर, तूने पीछे मारी और मारनी थी ना। नाके वाला हैरान हो गया, ये क्या हो रहा है। सुपर बाइक है यार, सुपर बाइक का कहाँ है मुकाबला, है ना इसरार। मैं तो डर डर के चला रहा था, पहली धमकी थी इसने मेरे को, घर में बता दूंगा। सेक्सी था, सेक्सी। चलो चलो चलना इस बार। चलो चलो वंस मोर। ओ भाई भाई, जीनोसो का कोई मुकाबला नहीं है यार। जीनोसो है भाई। मुझे नहीं पता वॉइस क्लियरिटी कैसी आ रही होगी, बिकॉज ये हेलमेट मेरी नहीं है भाई, तो माइक का पता नहीं है मेरे को भाई, क्या सीन है इसका क्या नहीं है। इस बार को अगर थोड़ा सा भी छौका लगा ना, इस बार लुढ़कते हुए जाएगा, बिकॉज ये बहुत हाइट में, ये जो बाइक है काफी हाइट है इसकी, तो कंट्रोल भी नहीं होगी अच्छी तरह भाई, क्योंकि इसके लिए बंदे को, बंदे की जो हाइट है वो मिनिमम कम से कम मैक्सिमम रख लो आप 6'3" होनी चाहिए, 6'3" लीन्स पे मैं आस्ते चल रहा हूँ, बिकॉज इसके टायर इतने अच्छे भी नहीं है, तो अगर लीन्स मारेंगे हम स्लिप हो सकती है लीन पे। तो मैंने आज कुछ राइडिंग जैकेट्स गियर्स वगैरह कुछ भी नहीं पहने हैं, तो सीन पुट्ठा हो सकता है। तो तीनों बाइकें कितनी सेक्सी लग रही हैं यार। चलो गाइस देखो एक टायर पे, ओ माय गॉड। ये देखो भाई पागल हो गया, गाड़ियों के बीच में विलिय मार रहे हैं। ओ भाई साहब मजा ही आ गया यार, एकदम तगड़ा माहौल बन गया भाई, बता नहीं सकता आपको मैं। वीडियो बना वीडियो। तो बुल्स की बाइक जो बैन है, क्योंकि भाई एक टायर पे चल रही थी। ये बैन हुई है ना? ये बाइक एक टायर पे चल रही थी। नंबर नोट कर लो, अगर कोई भी पुलिस वाला दिख रहा है सीज कर देना। बाइक ओनर ओए, बाइक ओनर ये है। और ये बाइक कल से दिखेगी नहीं रोड पे भाई। मेरे बाल देखो नरूटो की तरह खड़े हो गए हैं। तो आप देखते हैं भाई क्या चाहिए था यहाँ से। हाँ तो होप सो गाइस, बड़ा ज्यादा मजा आया यार। तो मेरे GoPro की मतलब बैटरी डेड हो गई है GoPro की, तो बैटरी डेड नहीं बल खुल गया GoPro, तो इस वजह से मैं आगे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया, इसलिए फोन से कर रहा हूँ। तो मेरे बाल देखो भाई नरूटो की तरह खड़े हो गए यार। नरूटो नहीं देखा बाल खड़े हो जाते हैं वैसे हो गए खड़े। तो सारे इधर है भाई, गोट राइडर ही मेरा दोस्त है, क्लासमेट आ गया, पढ़ने वाले बच्चे। नहीं यार मैंने कहा पढ़ा था, एसपी पर बाइक का पढ़ा था, सुपर बाइक नहीं, सुपर नहीं शैमिंग बाइक ले जा रहा हूं मैं अपने कुछ बाल पे ना। चल यार मोटर तो नहीं, कहां चले गया यार। होप सो गाइस फुल तो जो तूने ब्लॉग बना रहा था भाई, अमाउंट है ही नहीं, कैमरा है ही नहीं, क्या चलो निकल के बटन वगैरह सारा खुल गया। नहीं है कैमरा तो उधर ही है ना, सही सलामत कैमरा था मेरे पास। ये देखा मैंने कैसे जुगाड़ किया था घर से, इधर देख इसका भी माउंट टूट गया, देख नाड़े से बांधा है जी, देखो नाड़े से बंद है। आधा ब्लॉग मेरा तेरे में, इसमें बनाया ब्लॉग में मैं दो, आधा मेरा इसमें आधा इसमें, मैं ब्लॉग इस कैमरे में मेरा आधा उसमें और आधा फोन। तो होप तो गाइज आज के लिए इतना ही था, तो मेरे ब्लॉग का यही एंड होता है। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी हिट करना गाइज, और सब्सक्राइब करो भाई जल्दी से मेरे 1000 करवा दो। तो बोल सोच रहा हूँ भाई से स्टोरी डलवा दूँ, फिर हो जाएंगे जल्दी, बट मैं खुद के दम पे 1000 करना चाहता हूँ, तो वो जो फीलिंग होती है वो अलग ही होते फिलहाल। तो मेरे बाल देखो यार छोटे छोटे हवा से खड़े हो गए भाई। 142 चढ़ाई मैंने ड्यूक 390, मेरा पीछे से बैग उड़ रहा था भाई, इसमें 7 लाख का कैमरा पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने थोड़ा आस्ता ही चला, इतनी तेज भी नहीं चला क्योंकि ये बार बार निकल रहा था ऐसे करके, तो अगर गिर जाता भाई तो टूटे टूटे हो जाते कैमरे के।
फिलहाल इतना ही था भाई। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना गाइस, बेल आइकन को हिट करना। भाई पता नहीं कहाँ जा रहा है, इसलिए गुड बाय।